रिया सोने दो प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब मैंने किया है पूरी रात जागकर आपके लिए। प्रिया थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे सोना है। ओहो प्रेम उठो ना प्रेम, मुझे मंदिर जाना है और आपके जिम्मे कुछ बहुत जरूरी काम सौंपने हैं। अरे बाबा इतने सुबह उठकर मंदिर क्यों जाना है? मंदिर जा रही हूँ और वो भी नंगे पांव, मन्नत जो मांगी है मैंने। बर्थडे मेरा है और पद यात्रा पे तुम जा रही हो, ऐसी कौन सी मन्नत मांग रखी है? आज आपके जन्मदिन पर आपकी लंबी उम्र के लिए मैंने माता रानी की विशेष पूजा करनी है, इसलिए मंदिर जाना है। लेकिन क्या पता था कि ये और भी स्पेशल होने वाली है। स्पेशल? वो कैसे? ये रहा आपका स्पेशल बर्थडे गिफ्ट, गेस करो। थैंक यू। शूज, क्यूट है ना? मुझे तो नहीं आएंगे। प्रिया, घर में जूनियर प्रेम आने वाला है। ओ माय गॉड प्रिया मैं बाप। ओ माय गॉड लेकिन तुम इस कंडीशन में 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाओगी? कुछ नहीं होता, पास नहीं तो है, मैं आराम से चली जाऊंगी और वापसी में शंकर के साथ गाड़ी से आ जाऊंगी। अरे हाँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि मंदिर से लौटते ही आपसे कंबल बंटवाने अनाथा ले जाना है। मैं आती हूँ। हे माता रानी, मुझे अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगना है, मुझे तो बिन मांगे ही स्वर्ग सा घर और प्रेम जैसे पति मिले हैं। बस आपसे एक ही विनती है कि हमारे सुख भरे संसार को किसी की भी बुरी नजर ना लगे और हमारा आने वाला बच्चा भी प्रेम ही की तरह नेक और खुशदिल इंसान बने। अरे शर्मा क्यों रहा है? तू पापा बनने वाला है, मेरा पोता हो जाएगा तब भी तुझे ऐसे खिलाऊंगी, ले। लीजिए माँ गर्मा गर्म पराठे। अरे नहीं बेटा बस और नहीं, स्वाद में इतना खा लिया और वैसे भी नए नए दांत हैं, इन्हें इतना चबाने की आदत भी तो नहीं है। माँ मैंने हलवा भी बनाया, मैं भी लेकर आई। सच कहा माँ, आजकल मैं भी बहुत खाने लगा हूँ। बस ज्यादा खाने लगा, कमजोर है, खा ये लीजिए। अरे बेटा अब तो ये कहेगी इनका जन्मदिन है, हलवा तो खाना पड़ेगा, लिया इतना है लिया, मैं सब कुछ खाऊंगी आज। हाँ बस सच में अगर मुझे पता होता है इतना स्वाद खाना बनाने वाली बहू मुझे मिलेगी तो कुछ भी करके अपने असली दांत संभाल के रखती। हाँ प्रिया, प्रिया बेटा माँ पता नहीं क्यों चेक कर आ गया था। अब ठीक है तू? हाँ माँ। ये दिन तेरे आराम करने के, और ये खाना वाना सब छोड़, सिर्फ अपने पे ध्यान दे, ये सब राजू संभालेगा। हाँ माँ। मेरा बच्चा। रौनक मैं घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ यार, माँ ने बोला है ना प्रिया का खास ख्याल रखना है, बाप जो बनने वाला हूँ, और प्रिया के लिए कुछ लेना भी है।
चल मिलते हैं। अरे आप बैठो बैठो बैठो, आज बड़ी जल्दी आ गए आप। क्योंकि माँ ने बोला है अब से आपका खास ख्याल रखना। और दिन कैसा रहा? बढ़िया। और दवाइयाँ ली टाइम से? बिल्कुल। और ये? ये तो हमारे जूनियर प्रेम के लिए है। मैंने भी कुछ लिया, दिखाता हूँ। अरे वाह, काउंटडाउन टू बेबी, मतलब आपने भी पापा बनने की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। माँ नहीं दिख रही? माँ, माँ, माँ तो सत्संग गई है। वो सब तो ठीक है, मगर काम धंधे का ख्याल भी तो रखना है ना मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर। प्रिया, जब से तुम्हारे कदम इस घर पर पड़े हैं ना, मेरा हर काम बिना सोचे ही हो जाता है। और सिर्फ 8 महीनों में मैं कहां से कहां पहुंच गया। और हाँ, वो बात बात पे मुझे फाइनेंस मिनिस्टर कहकर एम्बैरस मत किया करो। सॉरी बाबा। ओके, अच्छा एक कप कॉफी मिलेगी? बिल्कुल, आप फटाफट चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कड़क सी कॉफी बनाकर लाती हूँ। प्रिया, 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 तुम ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं प्रेम, नहीं, मैं ठीक हूँ बस। चलो चलो, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, आराम करो। प्रेम, मैं कॉफी बना देती हूँ, ये सब तो होता ही रहता है। कॉफी के लिए मैं राजू से बोल देता हूँ। प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रेम, कॉफी तो आपके लिए मैं ही बनाऊंगी, फॉर माय बेस्ट सीए इन टाउन। ओके होम मिनिस्टर साहब। अरे मिस्टर खन्ना की वो बैलेंस शीट का क्या हुआ? वो कल तक पूरी हो जाएगी। हाँ माँ। बेटा प्रिया की तबीयत कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही, बार बार चक्कर आ रहे हैं। मैं बस आता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। रौनक, तुम मीटिंग्स पूरी कर लेना, मैं कुछ देर में हॉस्पिटल से आता हूँ। एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। क्या हुआ अंकल, आपने मुझे अकेले में बुलाया? प्रेम बेटा, 30 सालों से मैं आपके फैमिली डॉक्टर हूं, आज तक मुझे कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि कोई बात बताने के लिए मुझे इतना एफर्ट करना पड़े। मैं खुद समझा नहीं अंकल। बेटा, प्रिया को ब्लड कैंसर है। वो भी आखिरी स्टेज पर। अंकल आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं, प्रिया मां बनने वाली है। प्रेम बेटा, मैंने प्रिया की सारी रिपोर्ट्स अच्छी तरह से एग्जामिन की है। प्लीज अंकल, प्लीज, आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, इसलिए मैं पहले आपके पास प्रिया को लेके आया। मैं प्रिया को दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल ले जा सकता हूं। ठीक है बेटा, अपनी तसल्ली के लिए तुम फिर से टेस्ट करवा लो, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हारी सिर्फ सिर्फ हिम्मत बढ़ा सकता हूं, बस। माँ चलें। क्या हुआ बेटा, घबराया सा लगता है, सब कुछ ठीक ठाक है ना? अरे कुछ नहीं माँ, ये प्रिया है ना बहुत लापरवाह है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। प्रिया कल से नो भाग दौड़ा, टोटल बेड रेस्ट।
हाँ चले माँ। हाँ बेटा चल चल। प्रेम उठिए, उठिए ना प्रेम। देखिए सुबह हो गई है, सूरज सर पर आ गया है और आप अभी तक सो रहे हैं। पता नहीं आजकल आपको क्या हो गया है, देर तक सोते रहते हैं। पेट बाहर आना शुरू हो गया है आपका। सुबह उठकर जॉगिंग कीजिए। मुझे मेरा पहले वाला प्रेम ही चाहिए, स्लिम एंड फिट। यस योर मेजेस्टी, जाऊंगा कल से, पक्का जाऊंगा। लेकिन आज माँ को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है ना, चारधाम की यात्रा के लिए। हाँ प्रिया, लैब वाले तुम्हारा ब्लड सैंपल लेने आ रहे हैं, रेडी रहना। ठीक है, अब आप भी रेडी हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। प्रेम, 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 क्या हुआ प्रेम? प्रेम, बता मुझे। चार दिनों में मैंने इंडिया, यूरोप, अमेरिका के हर बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट से बात की है। कोई भी उम्मीद की किरण देने के बजाय सब पिया के मौत की डेट मुकर्रर कर रहे हैं। समझ में प्रेम, बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे एक दोस्त से बढ़कर प्यार दिया। कंपनी में एक मैनेजर हूं लेकिन मालिक जैसा रुतबा दिया, और तूने तूने ये बात मुझसे छुपा के रखी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ मुझसे छुपा के रखी। अरे कितना रोया होगा तू इस कमरे में बैठकर। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूं यार। रौनक, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज प्रिया को बचा लो। संभालो अपने आप को प्रेम, सब कुछ खत्म हो गया। प्रिया बहुत दूर चली जाएगी। रौनक प्लीज कुछ कर, रौनक प्रिया मां बनने वाली। कुछ समझ आओ प्रेम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे प्रेम आप आ गए। प्रेम आपने जो ये बुक दी है ना, ये बहुत ही ऑसम है। पता है इसमें हर बात डिटेल में बताई गई है, मैंने तो इसमें लिखना भी शुरू कर दिया है। आज तो मैं इसे खत्म करने के बाद ही सोऊंगी। प्रेम, प्रेम क्या बात है? क्या क्या बात है प्रेम, प्लीज कुछ बोलिए प्रेम, यू स्केयरिंग मी नाउ। क्या क्या हुआ प्रेम, कोई परेशानी की बात है?
रिन प्लीज कुछ बोलिए ना। बहुत हिम्मत की जरूरत है प्रिया, मैंने हर एक आंसू ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, बहुत हिम्मत चाहिए। पर क्यों प्रेम? ये बताने के लिए कि हमारी ये प्यार भरी सतरंगी चमकीली दुनिया दिए के बुझने के पहले की तेज रोशनी थी। क्या पहेलियां बुझा रहे हो प्रेम, साफ साफ कहो ना क्या बात है। प्रिया, प्रिया तुम्हें ब्लड कैंसर है। मेरी सारी दौलत और दुनिया के सभी डॉक्टर बेबस हैं। तुम्हारी सांसें रेत की तरह मेरे हाथ से फिसलती जा रही और तुम्हारा भगवान बुध बना देख रहा है। नहीं प्रेम, आप मजाक कर रहे हैं ना प्रेम। प्लीज कह दो कि ये तुम्हारा कोई नया प्रैंक है, तुम झूठ बोल रहे हो ना प्रेम। मैं मरना नहीं चाहती प्रेम, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज कुछ करो ना प्रेम, प्रेम तुझे बचा लो, कुछ ही पल तो गुजारो तुम्हारे साथ प्रेम। प्रेम हमारा हमारा बच्चा, हमारा परिवार। प्रेम प्रेम मैं मरना नहीं चाहती, कुछ करो ना प्रेम, कुछ करो। प्रिया, इंसान की हद जहां तक जा सकती वो हर कोशिश कर चुका हूं मैं। मुझे अपनी जिंदगी से बचा रहे दो प्रेम, मुझे अपनी जिंदगी से बच जाने दो प्रेम। मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ प्रेम। साथ जीने मरने की कसमें खाई है प्रेम, मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती प्रेम। प्रिया 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 प्रिया, 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 डॉक्टर, प्रिया आगे क्यों नहीं खोल? प्रिया बात करो, देखो मैं सामने बैठा हूँ। प्रिया, प्रिया, प्रिया बात कर प्रिया, देखो प्रिया एक बार, प्रिया प्लीज, प्रिया प्रिया
प्रेम प्रेम चलो सूर्यास्त से पहले अस्थि विसर्जन भी करना है। चलो अरे मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया? पंडित जी भी आ गए। हम आपके पास ही आ रहे थे पंडित जी। अरे मैंने सोचा कि मैं स्वयं आपके पास चलूं। आइए बेटा बैठो। प्रेम ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। ईश्वर तुम्हें ये सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रेम बेटा आओ पहले काम निपटा लें इससे पहले कि राहु काल शुरू हो। हैं? ठीक है ना? पंडित जी जो भी विधि विधान हो वो आप कर दीजिए, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। तुम बेटा धीरज धरो, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। और तुमने ये बात बहुत उचित कही, ये जो अस्थि विसर्जन की जो प्रक्रिया है ना वो तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक यजमान 21 ब्राह्मणों को भोजन, नए वस्त्र और कुछ स्वर्ण आभूषण दान करे। ठीक है पंडित जी, जैसा आप उचित समझे। मुझे कहाँ चलना है? आप काहे कष्ट करेंगे? हैं? सारी व्यवस्था तो मैं कर लूंगा, सारा प्रबंध कर लूंगा। लेकिन नहीं, आप कहाँ इस भीड़ भरे बाजार में यहां वहां धक्के खाते मरेंगे? समझे कि नहीं? बहुत अच्छा पंडित जी, आप खर्च बता दीजिए। मैं बताता हूं, एक मिनट। खर्चा तो बहुत बैठता है लेकिन कैसे न कैसे 5 लाख में मैं अब निपटा दूंगा। अरे भाई पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार की सेवा जो करता आया हूं, परंपरा बनी हुई है। रौनक ब्रीफकेस में से 5 लाख रुपए निकालकर पंडित जी को दे दो। राजू ब्रीफकेस लाना। ये लो पंडित जी गिन लो। क्या गिन लो? हैं? कब तक गिनोगे? मैं क्या चलूं? हैं? क्योंकि सारी व्यवस्थाएं देखनी है ना अभी मुझको चल के। और फिर क्या है कि राहु काल लग जाएगा, उससे पहले पहले सब निपटा लेता हूं। हरिओम हरिओम हरिओम। चल आ खुद को संभालो प्रेम, समझ लो कि एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था। हालांकि मुझे पता है ये सिर्फ कहना आसान है। बिल्कुल यकीन नहीं होता रौनक, हर पल मुझे प्रिया अपने आसपास महसूस होती है।
बहुत मिस करता हूँ उसे। हरियो हरियो। आइए पंडित जी। बैठो 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 बैठो। प्रेम बेटा, गंगा मैया की कृपा से प्रिया बेटी का अस्थि विसर्जन संपूर्ण तरह से संपन्न हुआ। मनुष्य योनि में उनका इतना ही जीवन लिखा था, ईश्वर कृपा। पंडित जी, क्या आत्मा मनुष्य के अलावा कोई और शरीर भी धारण करती है? बहुत बड़ा खेल है विधाता का, बहुत बड़ा। जितना सुख प्रिया बेटी को भोगना था उसने भोग लिया। अब यहां से 84 लाख योनियों की यात्रा प्रारंभ होती है। जीव 84 लाख कष्टदायक जन्म लेने के उपरांत मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। ये जो कष्ट है ना, इसका निवारण भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। 100 ब्राह्मणों को रतन जड़ित स्वर्ण आभूषण देकर ना, एक हफ्ते में प्रतिदिन 108 गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो प्राणी 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकता है। और हफ्ते के अंतिम दिन एक बड़ा सा महायज्ञ कराकर, ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराकर और बढ़िया सा उनको उपहार देकर विदा किया जाए तो मुक्ति सुनिश्चित है। पंडित जी, कितना खर्च आएगा? यही कोई 15 लाख। 15 लाख? अरे वाह पंडित जी, ये तो बड़ा कम बताया आपने। खर्चा तो कुछ ज्यादा लगना था। हाँ, खर्चा तो इससे ज्यादा लगता है। ऐसे ऐसे कष्टदायक जीवन के लिए मकौड़ों से ओके आप बेटा, ये 15 तो नहीं है। पंडित जी, ये कुछ कैश है, बाकी का मैं चेक बना देता हूँ। अच्छा हाँ ठीक, कुछ कैश और कुछ चेक, ठीक है ले लीजिए। कैश जमा करके तब तक इससे काम चला लूँगा और ये चेक मैं बैंक पर डाल दूंगा। ये तो 3 दिन में क्लियर हो जाता ना आजकल तो। ये तो मेरा ही, इसमें मेरा अकाउंट है, एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा। ये बालक इतना सा देगा था मैं, इसका जन्म हुआ था, नामकरण भी मैंने किया था, आज इतना भारी दुख, मैं रो पड़ूंगा। इससे पहले मैं चलता हूँ, ठीक है बेटा जी? तेरे मैं चलता हूँ, सारी व्यवस्था संभालता हूँ। हरिओम दोस्त। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे पंडित जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो किसी की भी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन रौनक, दिल को तसल्ली देने के सिवा रास्ता भी क्या है? सच्चा ज्ञान हमें है नहीं, जो बचा कुचा है इन पंडितों के पास है। ये भी ना माने तो जाए कहां, और फिर ये पैसा भी किस काम का जो प्रिया की जान तक नहीं बचा सका। माना तुम धनवान हो, लेकिन इससे तो अंधविश्वास के कर्मकांडों को बढ़ावा मिलता है। एनीवेज, चलो तुम्हारा महामंत्र का जाप भी पूरा हो गया हो, महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने निकलते। अरे बेटा प्रेम, कहीं जा रहे हो क्या? मैं आपके लिए विशेष तौर से ये सामग्री लेके आया था, ये देखिए। अरे पंडित जी, हम तो महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने ही निकल रहे थे। आज दरअसल शुभ दिन नहीं है, इसीलिए हमने महायज्ञ कल ही कर डाला। घर में मृत्यु हो जाने के कारण आप आहुति डाल नहीं पाते, इसलिए आपको कष्ट नहीं दिया। ये प्रसाद यज्ञ का, ये रुद्राक्ष की माला और विशेष तौर से गंगोत्री से मंगाया गया गंगा जल आपके लिए। आपके सारे कार्य विधि विधान के साथ संपूर्ण हुए। अब आप कुछ दक्षिणा हाथ में लेकर के और संकल्प करा लीजिए और प्रसाद ले लीजिए। बस पंडित जी, क्या दक्षिणा दे सकता हूं? ये जर्मान की श्रद्धा, अब तक जो कुछ भी आपसे लिया है वो मैंने आगे बांट दिया। अब
बेटी का विवाह है अगले माह। अगर ऐसी श्रद्धा है तो माँ के 2 लाख रुपए दान कर दीजिए, बस काम हो जाए। लो पंडित जी, ये लो। अब तक जो कुछ भी दान मिला है वो क्या गिन लो, मात्र 11 रुपए हाथ में ले लें, जिससे कि मैं संकल्प करा। ओम गणपताय नमः, गणपताय नमः, आज आपके जन्मदिन पर आपकी लंबी उम्र के लिए मैंने माता रानी की विशेष पूजा करनी है, इसलिए मंदिर जाना है। लेकिन क्या पता था ये पूजा और भी खास होने जा रही है। प्रिया, मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह पा रही हो। मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए हर तरीके से कोशिश की है। मेरी हालत भी तुमसे कम बदतर नहीं है। प्रेम बेटा, तूने ये क्या हालत बना ली अपनी? दिन रात प्रिया की तस्वीर से बात करता रहता है। तुझे पता नहीं है बेटा, तेरी इसी हालत ने उसकी मुक्ति को रोका हुआ। मां, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तस्वीर से अलग होकर भी ना प्रिया मुझे हर वक्त हर जगह दिखाई देती है। इसका मौत से लड़ता हुआ चेहरा मुझे अंदर तक हिला कर रख देता है। भगवान उसकी पवित्र आत्मा को शांति दे। बेटा, मुझसे ये तेरी हालत देखी नहीं जाती। कल ग्वालियर से एक पंडित जी आ रहे हैं तेरे से मिलने के लिए, शायद वो ही कोई समाधान बताए, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। शनि की 7:30 तो चल ही रही थी, मंगल भी शत्रु भाव में है और ऐसे पर ग्रहों की दोहरी मार पड़ती है मनुष्य पर। दूसरी मार होती है व्यापार और धन संपदा की चौपट होने से। प्रिया बिटिया आपके घर की लक्ष्मी थी, यदि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो आपका भाग्य आपको छोड़कर पूरी तरह से चला जाए। पंडित जी, इसका कोई उपाय बताइए। ये बहुमूल्य रत्न जड़ित अंगूठी है, इसे हमने नवग्रह के शांति मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। इसे प्रिया बिटिया की तस्वीर के सामने रखें। जी पंडित जी। फिर देखिए, प्रिया बिटिया की आत्मा को शांति मिल जाएगी और आपका व्यापार भी नहीं डगमगाएगा। पंडित जी, इसकी क्या कीमत देनी होगी? यह अति दुर्लभ अंगूठी है, हमारे कई यजमान इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन आपका दुख देखते हुए 5 लाख से अधिक लेना मैं पाप समझता हूं। और आपके लिए एक चीज और है, इसे भाग्योदय यंत्र कहते हैं, इसे भी प्रिया बिटिया की तस्वीर के सामने रख दीजिए, फिर देखिए चमत्कार।
क्या मैं आपको हर 3 घंटे में फोन कर सकती हूँ? नहीं। ठीक है, बिजी होंगे ना? अरे बाबा, हर 3 घंटे में नहीं बल्कि हर आधे घंटे में कॉल किया करो। मनुष्य के सारे कष्टों का निवारण एक ही है और वो है शिवोहम। तुम पूरे भाव के साथ शिवोहम का जाप। शिव ही सत्य है, शिव ही वो चेतना है जो हम सबके अंदर जीवन बनकर बह रही है। तुम्हारी पत्नी भी इसी चेतना का एक अंश थी। तुम इसी भाव के साथ नियमित रूप से शिवोहम का जाप करो, अवश्य लाभ। शिवोहम, शिवो। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। प्रेम, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्रेम, मैं मरना नहीं चाहती। शिवोहम, 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 शिवोहम। कॉफी तो आपके लिए मैं ही बनाऊंगी, फॉर माई बेस्ट सीए इन टाउन। शिवोहम, शिवोहम, शिवम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब मैंने किया है, पूरी रात जागकर। प्रिया, प्रिया, प्रिया। शिवोहम, 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 शिवोहम। जी, मैं प्रेम। हाँ हाँ प्रेम, बोलो। गुरुजी, मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल रही। मुझे अंदर ही अंदर एक बात खाए जा रही। जब शिव ही सारे कार्यों के कर्ता धर्ता हैं, तो उन्होंने मेरी बेकसूर प्रिया की जान क्यों ली? ये कैसा न्याय है सर्वशक्तिमान का? तुम्हें समझने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तुम केवल शिवोहम का जाप पूरी निष्ठा के साथ करते रहो, तुम्हारे कष्टों का निवारण अवश्य होगा। शिवो, अरे वाह, क्या बात है दोस्त। वाह,
You will going to get your new car. Which color? अरे कौन सी कार ली? मनुष्य आत्मा का ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, जिसका स्वधर्म ही शांति है, आनंद है, पवित्रता है, सुख है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो ये देह मिट्टी में मिल जाती है। आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है। आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा देह के संबंधों को छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है और अपने कर्मों के अनुसार ही वो उस जन्म में अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करती है। पूजा पाठ तंत्र मंत्र भक्ति योग सब करके देख लिया, अब मैं अपने भीतर की शांति का अनुभव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फील इंटरनल प्लेस। दीदी मैंने जब तब पूजा पाठ पंडित सब कुछ कर कर देख लिया, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। अब आप ही आखिरी सहारा हो। दीदी क्या आत्मा मनुष्य के अलावा कोई और शरीर भी धारण करती है? ये मनुष्य सृष्टि एक विराट नाटक है, जिसमें अजर अमर अविनाशी आत्मा शरीर के माध्यम से अपना पात्र निभाती है। और जब शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो आत्मा इस शरीर रूपी चोले को छोड़ती है, पुनर्जन्म लेते लेते कालांतर में पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मनुष्य आत्मा में प्रवेश करते हैं और मनुष्य आत्मा तमोगुणी और भोगी बन जाती है। इससे उसकी आयु भी घटने लगती है, तभी तो इसको कलयुग मृत्युलोक कहा है। दीदी 84 लाख योनियों के विषय में आप मुझे कुछ समझाएं। मनुष्य आत्माओं का मनुष्यों के साथ ही कर्म का व्यवहार होता है, इसलिए मनुष्य आत्मा अपनी मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेकर के अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगती है। इसके लिए उसे 84 लाख पशु योनियों में जाने की पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीदी क्या कोई ऐसा भी युग होता है जहां अकाल मृत्यु ना होती हो? आज इस कलयुग में किसी भी मनुष्य के पास कंप्लीट हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नहीं है। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, तो भी खुशी नहीं है। और अगर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों है तो वो भी टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड है। ये सब मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही होता है। देर इज नो पिक्चर विदाउट बैकग्राउंड। हर एक चित्र की कोई ना कोई भूमिका होती है। मनुष्य जीवन भोगी होने के कारण ही दुखी और अशांत है। सतयुग में मनुष्य में जब दैवी गुण सरलता संतुष्टता नम्रता दया क्षमा आदि गुण थे, उनों से भरपूर था, संपन्न था और साथ ही शांति प्रेम आनंद और सहयोग जैसी शक्तियों से संपन्न थे, तो उनका जीवन देवी देवताओं जैसा था। इसीलिए वहां अकाले मृत्यु नहीं होती थी और मनुष्य
उसे अमरलोक कहते थे। दीदी, परमात्मा से गुण और शक्ति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन की कोई विधि है? देह अभिमान से उत्पन्न पांच विकारों को समाप्त कर स्वयं को शरीर से अलग अविनाशी आत्मा समझ कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। किंतु आज लोग परमात्मा को ही नहीं जानते हैं। कोई तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है और कोई आत्मा को ही परमात्मा मान शिवोहम का जाप करते रहते हैं। वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, परमात्मा परमधाम वासी है। शिव को ही परमात्माए नमः कहा जाता है, अन्य सभी के लिए देवताए नमः कहा जाता है। इसलिए भारत में भी निराकार ज्योतिर्लिंगम के लाखों मंदिर हैं। स्वयं को महसूस करें कि मैं ज्योतिपुंज आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों और सर्व गुणों के परम स्रोत हैं, उनसे उन गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करूं, जिससे मन की एकाग्रता निर्णय शक्ति परख शक्ति प्राप्त होती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। चलिए स्वयं की बुद्धि को उस परमपिता परमात्मा से जोड़कर गुणों और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि परमात्मा से लगाएं। प्रेम भैया, ये मेडिटेशन हम आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल करके करते हैं। इसलिए अपने मन और बुद्धि को उस ज्योति के ऊपर केंद्रित करिए। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शांति की लहरें मुझ आत्मा को एक मधुर आनंदित शांति का अनुभव करा रही है। मैं आत्मा महसूस कर रही हूं। मेरा मन शांत होता जा रहा है। शांति का सागर मुझ आत्मा को शांति की ये दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कितनी सुखद शांति है ये। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। प्रेम, एक बात बोलूं यार? बोल यार। आज लग रहा है कि मैं अपने पुराने दोस्त प्रेम से मिला। क्या नूर आ गया तेरे चेहरे पर। रौनक तो अब तेरा नाम होना चाहिए। और शुरू से तेरा नाम प्रेम होना चाहिए। तूने हर दुख सुख में कितना प्यार दिया मेरे दोस्त। मेरी हर तकलीफ में ढाल बनकर खड़ा रहा है। नहीं दोस्त, इट्स ऑल पेरिशेबल। असली ढाल तो हमें ज्ञान और ध्यान में मिली है। अब तो मेरे घर पे भी मेडिटेशन रूम है। खाना भले ही किसी का मिस हो जाए, लेकिन मेडिटेशन कोई मिस नहीं करता। काश ये चेतना हर दिल में जाग पाए। मनुष्य जीवन का एक अटल सत्य है, जन्म मृत्यु और फिर जन्म। आवागमन का ये चक्र चलता ही रहता है। मनुष्य आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। जैसे कि कहा जाता है, चल बसा, एक स्थान से चला
और दूसरे स्थान पर बस जाता है। एक स्थान पर शोक और दूसरे स्थान पर खुशियां होती हैं, परंतु ये अविरत चलने वाला आवागमन का चक्र मनुष्य के कर्मों के अनुसार चलता ही रहता है और उस कर्म के आधार पर ही मनुष्य आत्मा को पुण्य आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा, पाप आत्मा, नीच आत्मा कहा जाता है। इसलिए अगर मनुष्य आत्मा अपने कर्मों पर ध्यान रखे तो उसका जन्म सुधर जाता है और मृत्यु भी सुधर जाती है। ओम शांति।